वेलकम बैक जी दोस्तों, अभी जो खेतों में आया हूँ और यहाँ पे जी जो है ना लेवल करा रहे हैं ज़मीन का, क्योंकि लेवल इसका जो है ना बहुत ज़्यादा आउट हो चुका है। और यहाँ पे ये कुछ लकड़ियाँ मैंने आपको दिखाया था कि पहले से कटिंग की थी, और इसको कटिंग करके ना यहाँ पे अभी ट्रैक्टर की मदद से खींच के रख दिया है। और भाई जो है ये लेवल कर रहे हैं, और ये लेवल जो है ये कंप्यूटराइज सिस्टम है। जैसे ये ऊपर आप देख सकते हैं कि ये इसका एक रिसीवर लगा हुआ है, और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसको लेवल का जो ये कैसे जो है ना काम करता है पूरा सिस्टम। भाई ने एक बार जो है ना ये रोल लगा दिया है पूरी ज़मीन को। ये जो है एरिया है ये एक एकड़ है, और इसको कम यहाँ तक एक रोल लगाने में इसका 45 मिनट इसको लगे हैं, जिससे जो है ना ताकि ज़मीन लेवल में हो जाए। जिस जगह से ज़मीन ज़्यादा ऊंची होगी वहाँ से ये करा जो है उठा लेगा मिट्टी, और जहाँ पे डाउन होगी वहाँ पे छोड़ देगा। तो भाई साहब ये वाला जो सिस्टम है लेवल वाला, इसको कंट्रोल करते हैं। ये देखिए जी, ये एक रोटर लगा हुआ है, और इसका जो हो सकता गलती मुझसे हो जाए कि नाम बताने में, कि यहाँ पे एक सिग्नल यहाँ से मिल रहा है, दूसरा सिग्नल उस क्रॉक जो करा है उसके आपको टॉप पे दिखाता हूँ जी। ये वाला जो करा है ना, ये आप देखें जी, ये मेरी फिंगर के बिल्कुल सीधा में, तो ये दोनों सिग्नल जो है ना आपस में मैच कर रहे हैं। तो उसकी मदद से ना ये ज़मीन को जो है एक बिल्कुल लेवल में कर देता है, ताकि हमको पानी लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और इसको जो भाई जो है ना ये रिसीवर है, ये सेल की मदद से बेसिकली चलता है, लेकिन भाई लोगों ने एक बैटरी वाला सिस्टम लगाया हुआ है। ये देखें जी, ये एक बैटरी है, ये बैटरी वाला सिस्टम है, और उधर से जो है वहाँ पे भी जो उन्होंने एक बैटरी वाला सिस्टम लगाया है, वो उधर से जो है ना इसको सिग्नल प्रोवाइड करता है। अभी जैसे ये आपको दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा मिट्टी जो है ना करा लेके आ रहा है। वो एक जगह पे ज़्यादा थी, और अभी जो है ना थोड़ा ये देखिए ये किस तरह जा रहा है। अभी जहाँ पे ज़मीन जो है ना डाउन होगी, नीचे होगी, तो वहाँ पे फिर ये डाल देगा, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ तक जो इसका लेवल है वो सेम है, तो इसलिए वो आगे आगे मज़ीद खींच के जा रहा है। तो भाई एक सिस्टम है, दूसरा है, और तीसरा जो वो बिल्कुल ड्राइवर के हाथ में है, ये देखिए जी, ये जो इसने अपने हाथ से कंट्रोल किया हुआ है, दूसरा ये वाला सिस्टम है इसका। तो इसके ऊपर साल जो ट्रैक्टर है वो हम बेसिकली ये यूज़ करते हैं, मैसी 385 या 375। उसकी वजह क्या है, हम 240 क्यों नहीं यूज़ करते? 240 यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक मिनी ट्रैक्टर है, उसमें ज़्यादा पावर नहीं होती, ओनली जो है वो 40 हाउस पावर का है, और ये है जी 80 हाउस पावर का। तो अभी आप जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मिट्टी कितनी ज़्यादा ये खींच के जो है ना ला रहा था, अगर यहाँ पे मैसी होता तो वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा मिट्टी ना खींच सकता। तो इसलिए फिर जो लेवल के लिए 75 या 85 जो है ना ट्रैक्टर, यही सबसे बेस्ट है, ताकि एक जगह से मिट्टी अगर उठा लें तो उसको प्रॉपर खींच के दूसरी जगह पे ले जाएं, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें। तो इसके लिए ना यही वाला ट्रैक्टर सबसे बेस्ट होता है। इस जगह पे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जो हाइट में थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने उठा दी है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ हद तक पड़ी है, लेकिन क्योंकि वो ट्रैक्टर टर्न नहीं होगा इसलिए फिर वो उठा नहीं सकते। तो यहाँ से तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है ये वाली साइड भी, लेकिन यहाँ पर भी आप कैमरे में थोड़ा हो सकता है कि नज़र आ जाए हल्की हल्की ज़्यादा। तो भाई अभी घुमा रहा है, इधर से आ रहा है, तो दोबारा फिर इसको भी उठा देगा। और वो जो मैंने शुरू में लकड़ियाँ दिखाई हैं वो हमने इधर से काटी हैं, ये जी टाली के दरख्त हैं, ये देखिए जी
यहाँ से हमने ये वाली काटी है, ये तकरीबन 3-4 थी और एक अभी और भी खुश हुई है, बाकी है वो मे बी जो है ना बाद में हम काटेंगे। ये वाली एक और बाकी, अभी ये लेवल हो जाएगा तो इसको बाद में कटिंग कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भाई अभी क्लोजिंग कर रहे हैं और हमने जी इसमें एक एकड़ में दो बार करा लगाया है दो साइडों से, और हमारा टाइम जो है तकरीबन 1.5 आवर लगे हैं, यानी कि डेढ़।